बेसिक मकसद ये था कि ताकि इन बच्चों को पता चले कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए कितने खराब खराब असरात डाल देते हैं। इनको पहले से ही ये पता चलता है कि ये जैसे बच्चे जब बड़े जब सिगरेट पीते हैं तो बच्चे वही सीखते हैं, लेकिन इनको हमें अवेयर करना चाहता है कि ये जो सिगरेट नोशी है ये सेहत के लिए बहुत ही मुजर असरात छोड़ देती है। आपको पता ही होगा कि दुनिया में लगभग 25-30% जो स्मोकर्स होते हैं वो कैंसर में मुबतला होते हैं। तो पहले एक तो ये मकसद इससे सॉल्व हो जाता है कि बच्चों में अवेयरनेस आ जाती है। दूसरी बात, जो हमने इनको सोसाइटी में निकाला वहाँ से बहुत से जो सोसाइटी के लोग हैं उनका बाहर का पता नहीं होता है, उनका वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, इससे उनको ये भी पता चलता है कि अगर ये बच्चे निकले सिगरेट नोशी के खिलाफ इसका ज़रूर कुछ मकसद होगा, इससे ज़रूर कुछ नुकसान होते होंगे इन पर जो पीते हैं, तो उनमें भी ये कुछ आ जाता, वो भी ये सिगरेट नोशी तर्क कर देते। तो दो दो फायदे इसमें हैं, सोसाइटी में भी अवेयरनेस होती है और इन बच्चों को भी पता चलता है कि सिगरेट नोशी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब भी हम बच्चों से पूछते हैं आपने सिगरेट क्यों पिया, वो बोलता है कि मेरा बाप पीता है तो इसमें क्या है, मुझे मज़ा लगता है, लेकिन इसके बहुत ही मुजर असरात है। साइंटिस्टों का कहना है 100 से 200 बीमारियाँ इसे ईजाद हो जाती हैं बचपन से, पहले जबान का टेस्ट जाता है तो पता ही नहीं इनको चलता जो हमने खाया इसमें क्या कैसा टेस्ट था। तो बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर इनको हम सोसाइटी में अवेयर लोगों को करेंगे तो बहुत से फायदे आ जाते हैं। वर्ल्ड ने जो इंटेलेक्ट लोग हैं उन्होंने डिवाइड किया हर डे को, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंड्स डे, ब्रदर्स डे, ऐसा ही सिगरेट नोशी पर भी एक दिन बनाया। आज नो टबाको डे है, इसलिए हमने इसी पर आज जो सेमिनार है और रैली निकाली जो आपने देखी।